पोटैटो चीज़ बॉल्स बनाने के लिए ये मैंने बॉयल आलू लिए हैं, ये मैश करके कम से कम 1.5 कप के आसपास है। आप इसको अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जितने चीज़ बॉल्स बनाने हैं। इसमें मैं ऐड करूँगी ये 3 चम्मच ब्रेड क्रम्स, 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, ये भी इसमें मिक्स कर देंगे। इसमें थोड़ा सा हम सॉल्ट मिक्स कर देंगे, इसमें ज़्यादा सॉल्ट नहीं डालेंगे हम, कम से कम आधी स्पून सॉल्ट डालेंगे, क्योंकि फिलिंग में भी सॉल्ट रहता है तो काफ़ी तेज़ हो जाएगा, इसलिए हम आधा इसमें रखेंगे, आधा हम फिलिंग में रखेंगे। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हरा धनिया है, हम आधा इसमें मिक्स करेंगे और आधा फिलिंग के लिए रखेंगे। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। हम इस तरह के छोटे छोटे बॉल्स बना के इस तरह से इसको रख लेंगे, एक एक बनाते हुए। इसी तरह से हमारे सारे बॉल्स जो है ये बन के तैयार हैं। इसी बाउल में हम फिलिंग तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने लिया है 2 ग्रीन चिली चॉप के लिए, ये हम इसमें रख लेंगे। ये मैंने 2 चम्मच चीज़ ग्रेट करके रखा हुआ है, ये भी इसमें डाल देंगे। ये कम से कम 2 बड़ी चम्मच पनीर है घिसा हुआ, तो ये कम से कम 1/2 कप के बराबर है, तो ये 1/2 कप हम ग्रेट करके पनीर जो है तो इसमें ऐड कर लेंगे। इसमें मैंने 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स ली हैं, अगर ये नहीं है आपके पास तो आप स्किप कर सकते हैं। ये मैंने सॉल्ट टू टेस्ट लिया हुआ है, आप अपने हिसाब से रखिए, क्योंकि आधा हमने जो बॉल्स बनाई हैं उसमें भी नमक है, तो आधा उसमें है तो आधा इसमें ऐड करेंगे, और 1/2 चम्मच चाट मसाला है, वो भी हम इसमें डाल लेंगे। उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये ग्रीन कोरिएंडर लीव्स हैं, ये भी हम ऐड कर लेंगे। अब हम इस फिलिंग को इसमें रख के बॉल्स बना लेंगे। इस तरह से इसको प्रेस कर लेंगे और धीरे धीरे इसको मिक्स करते हुए इसको नीचे को प्रेस कर देंगे। और अगर आपको ये एक्स्ट्रा लग रहा है तो आप ऊपर से इसको हटा भी सकते हैं, ये मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा है तो हम इसको हटा देंगे। तो इस तरह से इसको अगर ये फटने लगे तो आप इसको थोड़ा सा प्रेस करके हल्के हाथों से धीरे धीरे दबा के राउंड शेप में इस तरह की बॉल बना लीजिए। अब ये बॉल्स मैंने रेडी कर लिए हैं फिलिंग के साथ, अब इनको हम डीप फ्राई कर लेंगे। ये कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया है, ये अब गर्म हो चुका है, तो अब इसमें इनको बहुत केयरफुली फ्राई कर लेते हैं। स्टार्टिंग में हमको हाई फ्लेम पे रखना है और 5 मिनट के बाद फिर मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। हम इनको बीच बीच में चलाते रहेंगे, ये जले नहीं, मैंने मीडियम फ्लेम रखी है, हम इसको फ्राई इसी में कर लेंगे तो ज़्यादा ये क्रिस्पी बनेंगे।
ये अब थोड़ी देर में बनने वाले हैं। हम कम से कम 2 से 4 मिनट के लिए इनको फिर से फ्राई करेंगे। अब ये डीप फ्राई हो चुके हैं, हम इनको निकाल लेंगे।